आप पानी ले रहे हैं आर ओ वाटर 9 किलो 9 लीटर पानी 9 लीटर। शैम्पू बेस कितनी ले रहे हैं? 1 kg चाइना वाली वो आपने रखा है। कंडीशनर आप ले रहे हैं 50 ग्राम 250 ग्राम। केडी ना डालें आप इसमें। आप ये केडी किस लिए होता है? बस ये कंडीशनर की बैन होती है। अच्छा, यानी दोनों से दोनों में से एक चीज़ डालते हैं आप। कंडीशनर डाल लें, केडी ना डालें। ठीक है। पर्ल लिक्विड डाल रहे हैं आप 250 ग्राम। पर्ल ना डालें, पर्ल से पता क्या आपने कह दिया इससे ये लहरें आ जाती हैं। देखिए, हाँ जी नज़र आ रही है जी, जी पर्ल से लहरें आती हैं। हैंड वाश में ये लहरें नहीं होती। ठीक, इसको ना डालें आप, ये शैम्पू के लिए होता है। ठीक है। SLS पाउडर 25 ग्राम। ये भी SLS ना डालें, शैम्पू बेस डाल दिए ना, अब SLS की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ग्लिसरीन आप डाल रहे हैं 150 ग्राम। ये ठीक मॉइस्चराइजिंग के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए ठीक है, अच्छी बात। लेकिन मॉइस्चर इतना ज़्यादा भी ना हो कि परेशानी का सबब बन जाए। नमक आप डाल रहे हैं 100 ग्राम। ये गाढ़ा करने के लिए होता है, लेकिन इसको ना आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं इसमें और थिकनेस चेक करते रहते हैं। जब आपको लगे ना कि ये थिकनेस काफ़ी होगी, फिर इसको बंद कर देना। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे ना, तो फिर कल कलाओं के नीचे बैठ जाए। उसको नहीं करना, पानी में मिक्स करके डालने तो थोड़ा। हाँ वो भी ठीक है। विटामिन ई के कैप्सूल डाल रहे हैं ऐसे। कितने? 500 ml में 2 कैप्सूल। हाँ ठीक है, 2 कैप्सूल जी 500 ml। हाँ 2 कैप्सूल ठीक है। काफ़ी खुशबू डाल रहे हैं आप, जो भी है हसबे ज़रूरत। जी कलर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये फूड कलर इसमें हम कर सकते हैं, जर्दे वाला कलर ना, फूड कलर ही होता है। इसमें एंटीबायोटिक आप एक डाल लें, वो अपने आइसोप्रोपाइल और फार्मोलिन। हाँ वो भी आइसोप्रोपाइल डाल लें इसमें आप, 1 ग्राम डाल लें। ठीक है। 2 ग्राम डाल लें, 3 डाल लें, 4 डाल लें, 5 डाल लें। और फार्मलिन आप इसमें ज़रूर डालेंगे। फार्मलिन का मकसद ये होता है कि जो चीज़ आप बना लेते हैं ना, इसको ख़राब नहीं होने देता, सेटलिंग नहीं होता, ये यक जान रखता है इसको। आप वो क्या कहते हैं, डीकम्पोज नहीं होने देता। बहरहाल जो भी इसको, यानी ये अच्छा होता है। ये आप 0.3% इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। मसलन 0.3% का मतलब ये है 100 kg में 25 ग्राम। 1 लीटर में 3 ग्राम। 1 लीटर में 1 लीटर में 3 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक काम और कर लेना आप इसमें, जब ये बना रहे हो तो पानी 60 से 70 डिग्री रखो। ठीक है। हल्का सा गर्म, जिसको गुनगुना सा ना, नीम गर्म, उसमें ये बड़ी बेहतरीन। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। और जब तक शैम्पू बेस मुकम्मल हल ना हो जाए, दूसरी चीज़ें इसमें शामिल नहीं करनी। और इसको आपने जब मिक्सिंग करनी है ना, इसको बहुत तेज़ी से मिक्सिंग नहीं करना है, स्लो स्पीड आपने करना है। अगर मिक्सर है तो उसको स्लो स्पीड रखें। स्टीरर तो नहीं, स्टीरर पे तो आप छोटी क्वांटिटी बना सकते हैं, 200 ml 400 ml। अगर मिक्सर है तो उसको स्लो स्पीड रखें। अगर हाथ से बना रहे हैं तो दस्ताना पहन के हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लो स्लो इसमें मिक्स करें, बहुत तेज़ी।